Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. Na computer na file. Ab tally data on mobile. Biz Analyst ke saath. अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? ये सवाल किसका है और किस फिल्म से है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आपने सही गैस किया। फिल्म की एक्ट्रेस है आलिया भट्ट और ये डायलॉग है फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी का। लगभग अपने 10 सालों के करियर में आलिया बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आलिया ने अपनी स्कूली पढ़ाई तक पूरी नहीं की है? और इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की इस गंगूबाई के पास अपने ही देश की नागरिकता तक नहीं है? लेकिन ऐसा क्यों, तो चलिए आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वैसे आपको बता दें कि आलिया का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। तो चलिए इस खास मौके पर आपको बताते हैं आलिया के बारे में कुछ सुनी और अनसुनी बातें। दरअसल आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1993 को मुंबई में डायरेक्टर महेश भट्ट और एक्ट्रेस सोनी राजधान के घर हुआ था। उनके पिता गुजराती मूल के ब्राह्मण हैं, तो वहीं उनकी मां जर्मन मूल की भारतीय कश्मीरी हैं। आलिया के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, यहां तक कि उनके पास इंडिया का पासपोर्ट तक नहीं है। बात तो आप सभी जानते होंगे कि नागरिक तभी वोट डाल सकता है जब वो भारत का नागरिक हो, लेकिन आलिया के पास इंडियन सिटीजनशिप भी नहीं है तो वो वोटिंग भी नहीं कर सकती। खबरों की माने तो आलिया सिर्फ 10वीं पास है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक्टिंग में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। वैसे आलिया के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नहीं बल्कि 1999 में आई फिल्म अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा की संघर्ष फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने प्रीति जिंटा के बचपन का रोल प्ले किया था। इसके बाद साल 2012 में उन्होंने करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से मेन लीड के तौर पर शुरुआत की। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन उनके ऑपोजिट नजर आए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि अपनी पहली ही फिल्म के लिए आलिया ने 3 महीनों में 16 किलो वेट लूज किया था। अब तक आलिया की 20 फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज हो चुकी हैं। अपने 10 साल के करियर में आलिया का नाम 2 बॉलीवुड एक्टर के साथ जुड़ चुका है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को अक्सर साथ देखा जाता है। ऐसे में मीडिया में इस तरह की खबर है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। लेकिन ये बात आलिया भट्ट के बहुत कम फैंस को पता होगी कि रणबीर कपूर से पहले उनका नाम एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ भी जुड़ चुका है। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद लंबे समय तक मीडिया में इस तरह की खबरें थी कि आलिया और सिद्धार्थ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो रणबीर कपूर को डेट कर रही हैं और खबरें हैं कि दोनों इसी साल के एंड में शादी भी करने वाले हैं। वैसे बता दें कि दोनों के परिवार के बीच भी खासी नजदीकियां देखी जाती हैं। अक्सर आलिया रणबीर और उनकी मां नीतू सिंह से मिलने उनके घर पहुंच जाती हैं और दोनों के फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहते हैं। हाल ही में आलिया ने कहा था कि उन्होंने रणबीर से अपने सपनों में शादी भी कर ली है। खैर जो हो, लेकिन उनके फैंस को उनकी असली शादी का इंतजार है। हालांकि सवाल यह है कि आखिर ये दोनों शादी कब करने वाले हैं, खैर ये तो वक्त ही बताएगा। आलिया के वर्क फ्रंट की बात करें तो आलिया ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाईवे, 2 स्टेट्स, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, राजी, गली बॉय, उड़ता पंजाब और गंगूबाई कठियावाड़ी जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वो बहुत जल्द ब्रह्मास्त्र और RRR जैसी फिल्मों में नजर आने वाली हैं। बाहुबली डायरेक्टर SS राजमौली की बिग बजट फिल्म RR को लेकर खूब बज बना हुआ है। इसमें वो सीता के रोल में नजर आएंगी। वैसे आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और अपने आगे भी कुछ फरमाइशें हमें कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी फरमाइशों पर स्टोरी बनाने की और उन्हें सही तरीके से आपको समझाने की।